नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अम्बा जी मंदिर सूरत में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अम्बा जी मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा, तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। श्री अंबिका निकेतन मंदिर देवी माँ दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह सूरत में अम्बे जी, अम्बे माँ मंदिर और अम्बा जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अम्बिका देवी शक्ति या आदिशक्ति का नाम है। देवी अम्बिका की 8 भुजाएँ हैं जिनमें कई वस्तुएं और हथियार हैं। मंदिर में आप मां अंबिका की बेहद खूबसूरत मूर्ति देख सकते हैं। अंबिका निकेतन मंदिर सूरत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान माना जाता है। यह मंदिर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। श्री अम्बा जी मंदिर लगभग 50 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण मां अंबिका की भक्त स्वर्गीय श्रीमती भारती मैया द्वारा वर्ष 1969 में कराया गया था। आप मंदिर के भूतल पर श्रीमती भारती मैया की मूर्ति देख सकते हैं। अंबिका निकेतन मंदिर एक 2 मंजिला इमारत जैसा मंदिर है। पहली मंजिल पर आप देवी अंबिका की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं जैसे भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण आदि की मूर्तियों को देख सकते हैं। श्री अम्बा जी मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए खुलता है, तो आप किसी भी दिन वहां जा सकते हैं। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से रात 8 बजे तक है। इस मंदिर के बंद होने का समय दोपहर 12 से 3 बजे तक का होता है। जय माँ अम्बे, सभी पे कृपा करो माँ। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए दोस्तों। पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप कभी यहाँ आ पाए या ना आ पाए, बिल्कुल ध्यान से दर्शन कर लीजिए। एक एक जगह दिखाने का कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। मंदिर में आप आए तो दोस्तों मंदिर के आसपास घूमने के लायक और भी जगह है, जैसे कि पहला है डुमस बीच। डुमस बीच सूरत से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तट सूरत का बहुत प्रसिद्ध और आकर्षक समुद्र तट है। सप्ताह के अंत पर आपको इस समुद्र तट पर बहुत सारे पर्यटक देखने को मिलेंगे, जिनमें से कई अपने परिवार और दोस्तों के साथ आते हैं। इस समुद्र तट की रेत काली है जो इसे अन्य समुद्र तटों से अलग बनाती है। दूसरा है गोपी झील। सूरत के सबसे प्रसिद्ध और पिकनिक स्पॉट की सूची में गोपी झील का नाम भी शामिल है। इस झील का निर्माण 1510 ईस्वी में मालिक गोपी ने कराया था, जो उस समय का गवर्नर था। इस झील में बोटिंग, बम्पर राइडिंग और जीप लाइन जैसी गतिविधियां उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही बच्चों के लिए कई तरह की किड्स एक्टिविटी भी उपलब्ध कराई गई है। तीसरा है सारनाथ नेचर पार्क। 81 एकड़ के क्षेत्र में फैला ताप्ती नदी के किनारे स्थित यह नेचर पार्क सूरत के कामरेज रोड पर स्थित है। सूरत शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह चिड़ियाघर कई जानवरों और पक्षियों का निवास स्थान है। इस चिड़ियाघर में आपको जानवरों और पक्षियों की कई विलुप्त प्रजातियां देखने को मिलेगी। आप मंदिर के पीछे की तरफ आएंगे तो आपको ताप्ती नदी के दर्शन हो जाएंगे। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी यहाँ से बहती हुई आपको दिखेगी। दोस्तों अम्बा जी मंदिर आप लोगों को आना है तो आप यहां से हवाई मार्ग के द्वारा आ सकते हैं, जो कि मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा, आप ट्रेन के द्वारा इस मंदिर से आ सकते हैं, जो कि लगभग 8 किलोमीटर की दूरी से पड़ता है। और तीसरा, सड़क मार्ग के द्वारा आप आ सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्राइवेट टैक्सी या अपनी गाड़ी के द्वारा भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अम्बा जी मंदिर जरूर दर्शन कीजिएगा। जब भी आप सूरत आएँ तो एक बार जरूर यहाँ आइएगा और माता जी के दर्शन करके जाइएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने आज तक केवल ताप्ती नदी का नाम सुना है और देखा नहीं है, तो आज वीडियो के माध्यम से ताप्ती नदी के दर्शन कर लीजिए।
दोस्तों मैं जहाँ भी जाता हूँ तो बहुत ही प्रयास करके वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे भी सहयोग करें। वीडियो आप लोगों तक पहुँच गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर मुझे सजेशन दीजिएगा कि अगर कहीं पे कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ हो तो आप मुझे सहयोग करें और जानकारी दें कि कहाँ पर कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ हो रही है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अपना सहयोग बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।